नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों का दर्द इतनी बड़ी समस्या हो गई आज के दिन, हर किसी के घुटनों में दर्द है, चाहे उम्र छोटी हो या उम्र बड़ी हो, चाहे मोटापा हो या मोटापा ना हो। ये एक वहम है कि मोटे लोगों के घुटने खराब होते हैं। हमारे साथ हैं बहन जी प्रियंका, जो भीलवाड़ा राजस्थान से आई हैं। जाजगढ़ इनका गाँव, एक छोटा सा शहर है राजस्थान में। अब इनका ऐसा भी नहीं कि मोटापा है, कई कहते हैं कि मोटापे के कारण घुटनों में दर्द होता है कि डॉक्टर बोलते हैं वजन कम करो, 10 किलो वजन कम करो, 5 किलो वजन कम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वजन का कोई लेना देना नहीं है। घुटनों में दर्द होता है अलाइनमेंट के बिगड़ जाने की, और अलाइनमेंट बिगड़ता कैसे है, जब हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जब शरीर का ढांचा ही कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि शरीर के ढांचा जो हड्डियों का ढांचा है उसको जो मांसपेशियाँ हैं एक रस्सीनुमा वो पकड़ के रखती है। अगर आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई, यानी कि आप समझ लो कि आपका शरीर का ढांचा कमज़ोर हो गया, कहीं का भी अलाइनमेंट बिगड़ सकता है, कमर का बिगड़ सकता है और घुटनों का बिगड़ सकता है। तो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप योग कर लीजिए। योग का मतलब आपको ये नहीं कह रहा कि आप शीर्षासन कर ले या हलासन कर ले, योग का मतलब है जो बीमारी है उस बीमारी के अनुसार जो आप आसन करोगे वही योग है, ठीक है। और जो बीमारी है उसी प्रकार मैं आपको आसन सिखा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर आराम से योग सीख सकते हैं। इनके भी बहन जी के दोनों घुटनों में दर्द है, इनका भी हम पैकेज बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे सेंटर पर जो आता है अपना एक पैकेज बनवा लीजिए, और पैकेज बना के अपना खुद का वीडियो देख देख के कर लीजिए भाई क्या बीमारी है, मेरे को क्या करना है। तो ये भीलवाड़ा से आए हैं, 3 दिन हो गए बहन जी ना, 3 दिन हो गए, 3 दिन यहाँ अपने नारनौल में होटल है, वहाँ पे रह रहे हैं, धर्मशालाएँ हैं। आप भी आ सकते हैं 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, अच्छे थेरेपी करवाइए, अलाइनमेंट ठीक करवाइए और अच्छा पैकेज बनवाइए और अपने घुटने ठीक कर लीजिए। ये जरूर है कि 3 से 6 महीने लगेंगे, हो सकता है ज़्यादा दिक्कत हो तो 6 महीने से 1 साल लग जाए। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। कई लोगों के 10 साल से ख़राब है, 5 साल से ख़राब है, अगर 6 महीने दे देंगे एक्सरसाइज को क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। जो पहली एक्सरसाइज मैं बार बार बताता हूँ, और जिनको मैंने ये भी बता रखा है कि दर्द करे जो एक्सरसाइज उसको छोड़ देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सावधानी नहीं अपनाओगे तो भी दिक्कत आएगी, और कुछ सावधानी क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। पहली एक्सरसाइज सारे भारतवासी सुन लो, जो पहले एक्सरसाइज है अच्छे से कर लो, सभी लग जाओ अपने अपने घरों में, जिन जिन के घुटनों में दर्द है, ठीक है। रोज़ाना ये वीडियो बना रहा हूँ, एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, पर करना मन लगा के कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को जरूर देना। अब पेन हो रहा है इसमें कहीं? नहीं। तो ये हम करेंगे 20 बार। किस प्रकार करेंगे, काउंटिंग कैसे करेंगे, आप अंदर लेके जाएंगे, 1 2 ऐसे भी कर सकते हैं, वापिस 3 4 5 आराम से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कुछ हुआ ऐसे एक्सरसाइज है, कुछ नहीं होता, आराम से बैठे बैठे करना होता है, दर्द हो तो मत करना बस, ठीक है ना। अब अगली आगे पीछे करेंगे, करके दिखाओ पहले, फिर काउंटिंग करूँगा। हाँ ऐसे ऐसे करना, आराम से करना, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। जिस प्रकार काउंटिंग चलते हैं उस प्रकार आपको करना है। अब आगे पीछे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अगली एक्सरसाइज गोल गोल घुमाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, पूरा पीछे भी जाना चाहिए ना। अब एंटी क्लॉकवाइज करो, 1 2 3 4 5
छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। थक गए होंगे ना, आप भी थक गए होंगे, ये भी थक गए, क्योंकि पहले बीमार होते हैं तो बीच में एक एक्सरसाइज की 20 बार किया तो लंबी गहरी सांस भर ले आराम से, हाथ पीछे करके आहा रिलैक्स होके लंबी गहरी सांस भर लो, ठीक है, और फिर अगले एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी करोगे अब? अब पंजों को मोड़ने वाली, टाइट पंजों को मोड़ो, एक दो तीन चार पाँच, मैं छः बोलूँ तभी करना है मेरे साथ साथ, और वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे फिर दोबारा करेंगे, एक एक में टाइट कर लो, दो खोल दो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। जोर नहीं लगा रहे थे आप, जोर लगाया करो, ठीक है, हाँ जोर लगाएगी करनी है। अब अगले एक्सरसाइज करो, नीचे हाथ लगाओ, कर पाओगे? हाँ, एक आगे करो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। दर्द तो नहीं हुआ? उस पैर से करो, इतना घर पे करते हो? हाँ ज़्यादा करते हो। ज़्यादा करते हो, बीच बीच में रुक रुक के करते हो, कंटिन्यू करते हो? नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू करते हो, 30 तक कर लेते हो, शुरुआत में 20 बार, उसके बाद चाहे 40 बार कर लो, 50 बार कर लो, 5 बार 6 बार ऐसे, हाँ शुरुआत में इतना ही करना होता है, हाँ बढ़ाते रहो, अब 20 बार इसे करो, आप भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि 20 बार ही बताए तो 20 बार ही करो, 20 बार 30 बार 40 बार 100 बार तक भी कर सकते हो, जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाए ना, भाई 2 महीने हो गए तो आप 100 बार भी कर सकते हो। करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। कट कट की आवाज़ आती है? हाँ, दर्द नहीं होता ना? नहीं होता। कट कट की आवाज़ आती है ये करने से तो आने दो, दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द हो तो नहीं करना है। यहाँ से भी आती है। हाँ, कैल्शियम पूरा है? कैल्शियम तो पूरा आप में कम है, कम है? हाँ, रिपोर्ट दिखाई थी? हाँ, विटामिन डी तो पूरा करो ना, हो जाता वापस कम हो, कैल्शियम कम हो तो कैल्शियम पूरा करना, विटामिन डी है कम है तो वो भी पूरा करना, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना, पहले ये बातों पे ध्यान रखना है, जोड़ों के दर्द वाले सुन लो, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम बर्तन में कुछ डालेंगे, बर्तन नीचे से फूटा हुआ है तो बर्तन कभी नहीं भरेगा, तो अपना कैल्शियम विटामिन डी ये पूरा रखो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा है जी, और इन ये आई है कि एक बार योगा सीख के आना है, नहीं इनके जो हस्बैंड हैं इनके साथ आए हैं, बोलो ठीक हो जाऊँ नहीं तो ऑपरेशन कराऊंगा, ये वार्निंग है इनके लिए, और कईयों के लिए होती है, कई आखिरी बार मेरे पास ही आते हैं कि एक बार गुरुजी के पास ले चलो नहीं तो फिर बाद में करा देना, मैं भी आपके पास ही आई हूँ, ठीक है ना, कई ऐसे आते हैं कि एक बार वहाँ ले चलो फिर चाहे मेरा ऑपरेशन करा देना, दीपावली बात करा देना पर पहले एक बार लेके, हाँ तो जिनका भी ऑपरेशन बोल रखा ना तो एक बार आ जाना, 6 महीने दे देना मेरे को, क्या जा रहा है, ठीक है, ज़िंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, पहले ऑपरेशन कटा के बैठ जाओगे घुटनों को, बाई चांस सेट नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है कईयों के सेट भी हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, और सेट नहीं हुए तो क्या है, पहले अपने वाले घुटने हैं ओरिजिनल हैं जो भगवान ने दिए हैं, उनको ठीक करके देख लेते हैं तो हमारे हाथ में ही है, कोई इतनी बड़ी माया भी नहीं लगती, ठीक है। अगली पट्टी वाली एक्सरसाइज करो, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से कर लेना बस,
ये इलाज है, ये तो मैंने कहा है कि घुटनों की दवा है ये एक्सरसाइज। जो जो मैंने एक्सरसाइज बताई है और बता रहा हूँ उनको कंटिन्यू आप करते रहना, ठीक है। खींचो, दस सेकंड तक रोक के रखना। सर बाहर बैठना थोड़ी देर। दस सेकंड रुक रहे हो? ये पांच बार करना है, उस पैर से और करो, धीरे धीरे और भी बढ़े तो और भी रोक लेना, ठीक है। 10 सेकंड तो शुरुआत है, अगर 15 सेकंड भी रोक सको तो 15 सेकंड आप रोक लेना। सेकंड का लो, सेकंड के हिसाब से आपको गिनना है। किस प्रकार मैं अभी गिन के दिखाता हूँ, आप फिर खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस प्रकार से बारी बारी करते रहना। कमर सही है ना आपकी? कमर में दर्द है तो ये सारे आसन लेट के करने हैं। अब दवा लो। फोम है आपके पास? फोम नहीं मिला सर। कोई बात नहीं, कईयों को नहीं मिलता ये फोम। टावल यूज कर सकते हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मेरे पास आओगे तो मैं दे दूंगा। दवा लो पूरा, एडी टिकी रहनी चाहिए धरती में, ध्यान देना। दर्द है? नहीं है तो पूरा दबा लेंगे और 10 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर चेंज करेंगे पैर को। दोनों में दर्द है इनके तो दोनों पैरों से करना है, जिनके एक में दर्द है उनको भी दोनों पैरों से करना है। दबाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहाजगढ़ में है कोई? जाजपुर। जाजपुर? हाँ। कोई योगाचार्य है जाजपुर में? आप सिखा दोगे उनको? हाँ सिखा। ये वीडियो भेज देना उनके पास का, ये ऐसा है, देख देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। ये है ना, याद मेरे ऐसे नहीं रह सकते हैं। याद नहीं रह सकते? अब याद रह जाएंगे ना? नहीं, ये हाथ में याद नहीं रह सकती हूँ। अच्छा, क्यों दर्द होता है? कंधे में दर्द होता है। कंधों में दर्द होता है तो लेट की तो आराम से बैठ जाइए फिर। हाँ, मैं ऐसे बैठ सकती हूँ? ऐसे बैठ जाइए, मैं यही पूछ रही हूँ। आप ऐसे ऐसे तो ये है कि कमर में दर्द ना हो तब मैं बैठाता हूँ, अगर आपके कंधों में दर्द है तो आप नॉर्मल बैठ जाइए। कंधे में? हाँ, तो आप नॉर्मल बैठ जाइए, ठीक है ना। हाँ, आपके पैर नीचे टिकते हैं? किसी के पैर नीचे नहीं टिकते तो फोम को यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे दबाएंगे तो वे नीचे नीचे धीरे धीरे टिकने लग जाएंगे। पेन तो नहीं हो रहा? 10 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार इस पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बारी बारी से कर लेना। खिंचाओ तो नहीं आए नीचे? हाँ, ठीक है। अभी फोम को बीच में लगाना या नहीं फिर बोल को बीच में लगाना? हाँ, दबा लो, पूरा दबा लो साइड की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लूज, फिर दबाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहाजगढ़ अलग है, जहाजपुर अलग है? जहाजगढ़ नहीं, जहाजपुर ही है वो। जहाजगढ़ नहीं है? मैंने सुना था जहाजगढ़ भी है कोई। ये वाली नहीं करती हूँ। ये वाले नहीं करते हो? आप कर लेना, ये फोम वाले करके देखो, ठीक है। शांत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फोम से अच्छा हुआ या गेंद से अच्छा हुआ? बोल से अच्छा। बोल से तो बोल मंगा लेना, ये ऑनलाइन मंगा लेना आप। बोल से अच्छा होता है, फोम से अच्छा नहीं होता। हाँ। या फिर तकिया ले लेना मोटा, तकिया से भी हो जाएगा। बोल नहीं मंगा सकते तो ये ऑनलाइन आ जाएगी, आप मंगा सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, देखो घुटना के दर्द को ठीक करने के लिए फोम है, बोल है, ये पट्टा है और ये रोल है, यही तो चीजें हैं, कोई बड़े तो इसमें है नहीं। मैंने तो वो रोल बना रखी है। रोल बना रखा पाइप का?
ये ले लो। किसी के पास पाइप है तो पाइप का बना लो, अपने देसी जुगाड़ कर सकते हो। इसकी जगह टावल यूज कर सकते हो, इसकी जगह दुपट्टा यूज कर सकते हो, ठीक है। और वजन वाला मैं करके दिखाऊंगा, वजन की जगह अगर आप कुछ और बांधो तो 1 किलो नमक की थैली है, कुछ और है, या अपने घर में कोई बना सकते हो तो 1 किलो मिट्टी डाल के लटका लो, 1 पानी की बोतल लटका लो। हिंदुस्तानी हम जुगाड़ तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, अब लगाओ नीचे तो घुटनों का भी जुगाड़ कर लो, घुटने भी ठीक हो जाएंगे, है ना, ठीक है। करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन, ठीक है। अब फिर ऊपर उठाइए, मोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेन हुआ कहीं? इसमें होता है तो हल्का नहीं, ये लगाने से होता है? कैसे नहीं, होता है? ऐसे ऊपर नीचे करते जब। थोड़ा इसको और पीछे खींचो, अब करो ऊपर, अब नहीं, और फिर अब करके देखो 1, 2 हो रहा है। जिनको दर्द होता है नीचे बिल्कुल, ये रोल लगाने से थोड़ा और पीछे कर लेंगे अपनी थाई की तरफ, आगे पीछे सरका के देख लेंगे, ठीक है। अब इसको 5 बार करना है, 1 बार में 10 बार करना है, हाँ, फिर 5 बार, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा देना है, ठीक है। अब अपने वो कट कट की आवाज़ आती है इसमें, कट कट की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ के लिए तो वेट वाली एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करना है। एक जो कुर्सी वाला वीडियो है, कुर्सी पे बैठ के करते हैं, वो वाला ज़्यादा करना है। पैर मोड़ो और अपना हाथ दो, अपना हाथ दो और इसको दबाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेंज करो। एक पैर से लगातार भी कर सकते हैं, 3 से 5 बार दूसरे पैर से भी। कट कट की आवाज़ आती है, गैप ख़त्म हो जाता है, उस वजह से कट कट की आवाज़ आती है। कहते हैं ना कि गिरीश ख़त्म होगी, गिरीश ख़त्म होगी कैसे बनेगी? एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे, गैप खुलेगा तो गिरीश भी अपने आप बनेगी। ये कितनी बार करोगे? 3 बार से लेकर 5 बार, फिर 5 बार से लेकर 7 बार, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे, 20 बार, ठीक है। ये आप लेट के भी कर सकते हो, और साथ में ये कमर वाले भी कर लिया करो, अगर कमर में दर्द नहीं तो लेट के कर लो, कमर वाला कर। हाँ, और सैर करते हो? सैर बंद कर दो, मोटापा वाली एक्सरसाइज वैसे कर लिया करो, अलग से मोटापा वाला वीडियो चला के वो अलग से कर लेना। पैर लटका लीजिए और वेट बांध देंगे, हाँ पैर लटका लो, वेट बांध देंगे। कईयों के तो 10 साल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इनको आगे रखना चाहिए सर, आगे आगे आगे, जैसे मैं बांध रहा हूँ ना, आप भी सीख लीजिए। आगे ये पट्टी आगे कर लीजिए और पीछे नहीं रखना इनको, ठीक है। आगे रखो, साइड में आगे रखो इनको, आगे रखो, घुमाओ इनको, हाँ आराम से आराम से। आप टाइट कर रखे हैं पैरों को, बिल्कुल ढीला छोड़ दो पैरों को, बिल्कुल रिलैक्स, हाँ ऐसे। कितनी बार करते हो? ये गिनती नहीं, गिनती नहीं आती, नहीं गिनती, नहीं, पूरे दिन में जैसे टाइम मिलता वैसे करती रहती हूं। नहीं गिनती से क्या करो, क्लॉक वाइज भी इतना ही और एंटी क्लॉक वाइज भी इतना ही, और बिना गिनती के करने है ना, फिर पैरों को आगे पीछे करना, ये बिना गिनती के कर लेना। जब क्लॉक वाइज करो, एंटी क्लॉक वाइज करो, वो काउंटिंग वाले करो। इतना उच्च ताकत होगा घर पे? नहीं, मैं 2 कुर्सी पे बैठ जाती। 2 कुर्सी ऊपर नीचे गाल के, सही है। तो थोड़ा और पीछे हो जाओ, आराम से आप कर लो। पेन तो नहीं हो रहा? इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, ठीक है। पूरे दिन लगवाए रखो, पूरे दिन भी कर सकते हो तो पूरे दिन ही करना है। कितने दिन का समय इनको? 6 महीने का समय दे रखा है कि 6 महीने में ठीक हो जाओ, नहीं तो ऑपरेशन करवा देंगे ना, और 6 महीने पहले ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। मेहनत करते रहना, बीच में 1 महीने में या 1.5 महीने में कभी भी आपको लगे कि फ़र्क नहीं पड़ना तो एक बार फिर दिखा देना, ठीक है ना। ठीक है, तो आप करते रहिए ऐसे, और आप भी अपने घर बैठे करते रहिए। जो मैं पैकेज बना रहा हूँ इसमें ज़्यादा कोई बड़ा वो नहीं है कि मेरे को करना नहीं आता, बस जितना भी मैं करवा रहा हूँ वो आराम आराम से कर लेना। जिस ये भी कर सकते हैं, जो मैंने कुर्सी वाला बता रखा उसमें सारे हैं,
कुर्सी पे बैठ के मैंने सारे बता रखे हैं, आप आराम आराम से पूरे वजन वाले जिनके गैप खत्म हो गया ना कुर्सी पे बैठ के वीडियो जरूर भी देखें, और कुर्सी पे बैठ के वेट बांध के जो वीडियो है उसको देख देख के करें, उसमें कई प्रकार के एक्सरसाइज मैंने बता रखी। वीडियो आता है मैं कर भी लेती हूँ ना, हाँ नहीं आता तो मैं वापस करती हूँ उसी टाइम, शाम को देखती हूँ मैं 4-5 बजे तो वापस कर लेती हूँ। और दोबारा फिर सुबह भी कर लेते हैं जब वीडियो डालते हो ना 3 बजे से 4 बजे के करीब, उसके हाथ फिर लग जाते हो ना, लगे रहो। ठीक है, आगे समझ में, यही आपको करना है, इनको छोड़ना मत, इनकी क्वांटिटी बढ़ा देना धीरे धीरे। ठीक है, घुमाते रहो। अभी आप भी अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे सदस्य बन सकते हैं घर बैठ के आराम से। एक्सरसाइज की रोजाना पैकेज बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, अब ये भीलवाड़ा जाएंगे उनको सबको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे मैं योग सीख के आई हूँ और ऐसे ऐसे घुटनों का इलाज होता है, तो सबको सिखाएंगे। आपके पास भी ये वीडियो आ गया है ना, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए योग और रहिए निरोग। घुटनों के ऑपरेशन से हमें बचना है, बचिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।